लोग कह रहे हैं आपसे गठबंधन करने के लिए, उन लोगों में कौन कौन शामिल हैं? क्योंकि खबरें तो ये भी हैं कि बीजेपी से भी आपकी बातचीत चल रही है, बीजेपी की तरफ भी अब आपका सॉफ्ट कॉर्नर है, मुख्यमंत्री का काम आपको पसंद आ रहा है? नहीं नहीं देखिए, काम तो हम जिसका है उसका सराहना करते हैं। आप 1090 पर खड़ा होइए तो मायावती जी का काम दिखता है, नीचे उतरिए तो गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश जी का काम दिखता है, आगे बढ़िए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो योगी जी का काम दिखता है, कांग्रेस का काम दिखता है, रेलवे स्टेशन लखनऊ जाइए तो कांग्रेस का काम दिखता है। तो जिसका काम जो किया उसके काम की प्रशंसा तो हम करते ही हैं। ऐसा नहीं कि हम और नेताओं की तरह कि उन्होंने कुछ नहीं किया खाली हमने किया है, ये बात हम नहीं बोलते। जिन लोगों ने जो काम किया उनके काम की प्रशंसा तो हम करते हैं। और साथ ही साथ कटाक्ष भी करते हैं ओपी राजभर जी, आपके बारे में अब ये कहा जाने लगा है कि आप जिसके साथ जाते हैं उसी की बुराइयां आपको नजर आने लगती हैं। आप जब बीजेपी में थे, एनडीए के साथी थे, तो वहां पर आपको लग रहा था कि काम नहीं हो रहा, अब अखिलेश यादव पर भी आपके तीखे प्रहार सब सुन रहे हैं। नहीं, देखिए मैं सामाजिक न्याय समिति के सवाल पे मैं बार बार माननीय अमित शाह जी से भी मिलता था, मुख्यमंत्री से भी मिलता था, और उनके प्रदेश के अध्यक्ष, मैं सबसे इस बात को कहता था कि देखिए 27% जो रिजर्वेशन लागू है उसमें सबको बराबर हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, तो जो बंटवारा करके 7, 9, 11 का सामाजिक न्याय समिति जो कमेटी बनी थी जो तय किया उसको लागू कर दिया जाए। तो इसमें कोई लड़ना इस बात को तो कोई विरोध की बात तो नहीं है भाई, सबके हित की बात है, वो भी चाहते थे हम भी चाहते हैं, तो फिर लागू क्यों नहीं हो रहा है? इस बात को लेके हम कहते थे तो भाई अब उसको लेके कोई विरोध लगे? आज जैसे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष 13 महीने से विधानसभा में हैं, 3 बार सत्र चल चुका, 1 बार भी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं करते हैं, जबकि वो जनता के हित में है, सामाजिक न्याय की बात है, तो इसको चर्चा करने से क्या दिक्कत है? अब उस बात को लागू कराने के लिए बसपा सपा की सरकार नहीं है, कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के ऊपर दबाव कौन बनाएगा? ये विपक्ष के जो नेता इनको इस पे दबाव बनाना चाहिए, लेकिन ये लोग तो दूसरी बात करते हैं। तो आपको उम्मीद ओपी राजभर जी अभी है मुख्यमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी से, मौजूदा सरकार से, कि जो आप मांग उठाते हैं, जो सामाजिक न्याय की आप बात करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है? देखिए पूरा देश उम्मीद पे काम करता है और हमें पूरी उम्मीद है, जैसे कोई उम्मीद नहीं किया था कि जो एक भ्रांति थी जो लोगों के दिमाग में अंधविश्वास भरा था सपा और बसपा के नेता को कि गाजियाबाद नोएडा कोई जो जाता है दोबारा रिपीट नहीं करता है, लेकिन उस बात को मैं योगी जी की तारीफ इसना तो करता हूँ कि वो जा करके इन लोगों का जो अंधविश्वास था उसको तोड़ दिया और दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। अब इस बात को कहना अगर लोगों को लगे कि हम उनकी तारीफ कर रहे हैं तो जो सही बात है उसको हम बोल रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।